तो आपको पता है कि हमारे कमिटमेंट हुआ था कि हम कैसा है सफला आप नवाले के साथ खा सकते हैं क्या ख्याल कच्ची खा सकते असल में बात ये हमने अपनी जॉब कहाँ दी मैंने शेरेटन होटल में तो नहीं दी सर मैंने कजन बुरा के साथ काम किया अच्छा कजन बुरा को तुर्की वाला वो आप उनसे पूछोगे बावर्ची साहब से हाँ सफला भाई भाई सैफुल्ला भाई कौन सी डिश पका रहे हो भाई मुदस्सर आपके काम है आराम से बैठना ठीक है उस साइड पे बड़ग्राम और इस साइड में मानसर ये साइड बड़ग्राम السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں فیصل خان مدینہ منورہ سے اس وقت موجود ہوں پاکستان میں تو دوستو آج ہے ہمارا ماہانہ چھٹی چھتر پلین بازار کی 28 کی تو آج ہم ٹرپ پہ جا رہے ہیں جو کزن کے ساتھ ہے اور ماموں کے ساتھ ہیں تو یہ ولاگ ہمارا انتہائی بہترین ولاگ ہونے والا ہے اور اس میں ہماری پکی پکائی ہماری اپنی ہوگی اور انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور یہ سیف اللہ بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سامان گاڑی میں رکھ رہے ہیں تو آج کے ولاگ میں ہمارے ساتھ ہوں گے سیف اللہ بھائی سیف اللہ اور یہ ہمارے ابھی حفیظ جو تیاریوں میں مصروف اور یہ سیف اللہ جو ترتیب دے رہے ہیں سامان رکھنے کا گاڑی میں تو ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ساری سلنڈر ہو گیا ہارڈ پارٹ ہو گیا یہ ہوگا تکو کے لیے کڑھائی ہو گیا جو چٹائی بیٹھنے کے لیے اور اس میں پانی شانی ڈالیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور انشاءاللہ بہترین ولاگ ہونے والا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو بس تھوڑا بہت اور سامان ہے وہ بھی لائیں گے اور سامان بھی آ گیا جو عباس خان ماشاءاللہ تبارک الرحمن عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے اس ولاگ میں عباس تو سامان مامان لاڑو سامان اور کوئی چیز تو نہیں رہ گیا اوپر گھر میں تھوڑا بہت سامان ہے تو انشاءاللہ جو تھوڑا بہت سامان اور بھی ہے وہ بھی ابھی ہم جائیں گے لے آئیں گے اور ولاگ ہمارا اس نن نے جو حفیظ ہے اس کے ساتھ بہترین ہونے والا ہے لائک کریں السلام علیکم آپ کیسے ہیں آپ کو ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید پوچھے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمٹمنٹ ہوا تھا کہ ہم جس جو بندہ آ گیا وہ کھانے کے پروگرام کرے چاہے وہ کچھ بھی ہو تو آج فیصل بھائی پیچھے نہیں ہٹا اپنے بات سے تو آج انشاءاللہ ہم جائیں گے ٹاپ پر تو فیصل بھائی آپ کا بہت شکریہ جا رہے ہیں اوپر ٹاپ کی طرف اور یہ راستہ ٹاپ کی طرف جا رہا ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو جو ہماری پکی پکائی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سارے شیئر کریں گے ابھی ہم چتر ٹاپ کو آ گئے اور ابھی ہم اپنے لیے دیکھیں گے جگہ تو اچھی سی جگہ مل جائے اور سیف اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام کیوں ہے اور کس چیز کا ہے
जहाँ तक सर बात है, असल में आप दोनों का मैच हुआ है, मौसम और आपका शायद, तो उसमें जो मौसम जीता हुआ है, कौन जीता हुआ है उसमें? मौसम। मौसम तो उसमें एक शर्त रखी थी कि जो भी मैच हारेगा उसकी तरफ से ये पार्टी होगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये शर्त नहीं है, बस वैसे शुगल के लिए हमने ये गैदरिंग, बस जस्ट गैदरिंग के लिए। तो हाँ शर्त तो वैसे नाम लिया, अच्छा मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन जो हारा हुआ है ये प्रोग्राम उसकी तरफ से। अच्छा तो अभी आपने कितने आदमी को बुलाया मोहसिन? मैंने तकरीबन आपके साथ ज्यादा नहीं की, आपने तो बोला 50 को लाऊंगा, और आपके दिल में मेरे रहमी नहीं थी ना, तो मेरे दिल में आपके लिए है, तो मैंने ज्यादा बंदों को नहीं बुलाया, जितना मैंने बोला था उतना बनाया, शायद ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मैंने आपके साथ ज्यादा नहीं की। चले मोहसिन थैंक यू, आपने हमें बेहतरीन वो किया, और अभी ये आफीज खान तो अभी हम अपने लिए देखेंगे जगह और वहाँ पे अपना निज़ाम करेंगे स्टार्ट और पक्की पकाई। और इसमें आज हमारे जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कुक जो है सैफुल्ला, और सैफुल्ला के साथ हमजा जो अभी थका हुआ है, अल्लाह खैर करे कि ये शायद कर भी सकते या नहीं। और जो चिकन टिक्का बारबेक्यू है वो हमेशा की तरह होगा मेरे ही जिम्मे, और मेरे साथ होगा हफीज खान, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, बेहतरीन इलाक होने वाला है। तो अभी हमने जाना है वो ऊपर चढ़ाई पर, और काफी थक गया मैं तो, चलने में थोड़ा सा मुश्किल हूँ। ये देख खाते हैं ये पंडो में बहुत ज्यादा दिल हुआ है, अतल नहीं होता। ये देखे सजाद बोल रहे कि इतना ऊपर नहीं जाना जा सकता, अभी हमने जाने उस स्टॉप पर, गाड़ी हमने नीचे उतार दिए। अभी हम ऊपर टॉप को पहुंच गए, और काफी बेहतरीन जगह है, और जगह भी प्लेन है, तो अभी इंशाल्लाह हमारा निज़ाम इधर ही बनाएंगे और पकाई करेंगे। मुदस्सर जो काफी सोच विचार में मशरूफ, तो देखते हैं। यहाँ पे दूसरी बात की है, यहाँ पे जो दो जिले हैं वो चेंज हो जाते हैं, उस साइड पे बड़ग्राम और इस साइड में मानसर, ये साइड बड़ग्राम और ये वाला साइड मानसर। तो अभी हम ऐसे समझे कि बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन एक ऊंचाई जगह पर है, तो इस तरफ बड़ग्राम और इस तरफ है मानसरा। तो मोहसिन हफीज कैसे एंजॉय कर रहे हो या नहीं? करेंगे कर। अभी आप दोनों का काम है कढ़ाई बनाना, सफल्ला आपका और हमजा आपका काम है, इंशाल्लाह ऐसे बनाएंगे कि फोड़ने चेक करेगा। मेरा काम है टिक्के बनाना, मुदस्सर आपका काम है आराम से बैठना, ठीक है? हाँ बस खाने पीना और आराम से बैठना। हफीज आपने करनी है निगरानी सब पर, ठीक है? निगरानी से मुला देनी तब दुमन गर्ज हाँ सही ना। तो चलो अपना काम आप स्टार्ट करें सफल्ला, तो अभी थोड़ा सा इसको कंगाल करें। और मोहसिन खान ये सब आपकी बदौलत है, ठीक है? ये अगर आप मैच नहीं जीतते तो ये आज, अगर आज आप मैच नहीं जीतते तो ये आपको करना पड़ता जी। तो अभी मैच आपने जीते तो ये मुझे करना पड़ रहा है, तो इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, दोस्तों से मिलते और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब्बास सफल्ला और हमजा भाई ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, अभी मेरा काम है टिक्के बनाना, और अभी जो यहाँ पे बैठे हुए हैं साकिब अब्बास सजाद भाई और हफीज भाई, तो ये अभी टमाटर काटेंगे, और मोहसिन जो इनके साथ थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। मोहसिन ठीक है, हेल्प इनके साथ करने आपने इंशाल्लाह। तो अभी टमाटर काटने ये बैठे टमाटर वाले, भजन कौन सी डिश पकानी है, कढ़ाई पकानी है, उस हिसाब से टमाटर काटे, वो आप उनसे पूछोगे बावर्ची साहब से। हाँ सफल्ला भाई, भाई सैफुल्ला भाई कौन सी डिश पका रहे हो भाई, कौन सी डिश बना रहे हो? व्हाइट कढ़ाई बना रहे हो, चलो ठीक है, फिर मैं टमाटर काटता हूँ आपके लिए, इसी और को तो नहीं काटना। तो अभी सजाद अमीर साहब कैसा लगा आपको ये जगह और कैसा माहौल? तो कुछ माशाल्लाह
بڑی خوشی ہوئی کہ قزنوں کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سنگت ملی بیٹھنے کے لیے. اللہ پاک نے اپنے دربار کے ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم دیا کہ جا کے قزنوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. زندگی میں یہ موقع کبھی کبھی بندے کو نصیب ہوتے ہیں, تو یہ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں جو ایک ساتھ بندہ بیٹھ کے گزار دے. تو یہ ہمارے چھوٹے امیر صاحب ہیں, بھائی محسن ہمارے بہت نائس امیر صاحب بھی ہیں, بہت قریبی دوست یار بھی اور بہت قریبی بھتیجے بھی لگتے ہیں. آپ اپنے کام میں مشغول رہیں, اپنا ٹماٹر کاٹیں, اور میرا بھی یہی کام ابھی ہے کہ آگ ابالنا جلانا ہے اور بنانا ہے تکے. صرف تکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں تکوں میں. میرا کام جو ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے, محسن آپ ادھر آ جاؤ, آپ کا کام ہے تھوڑا سا لکڑیاں جمع کرنا, ٹھیک ہے؟ آپ آ جاؤ, تھوڑے سے لکڑیاں جمع کرو. کوئلہ ریڈی ہے ہمارے پاس, اور اللہ برکت کرے ہم سے پہلے کوئی آئے تھے انہوں نے جگہ بھی بنایا نے, یعنی ہمیں ریڈی کر کے جگہ بھی تیار ہے. تو حمزہ لوگوں نے تو کڑھائی کا ڈال بھی دیا. حمزے یہ تو آپ لوگوں نے ڈال بھی دیا بھائی, کام فٹا فٹ ختم کرنے والے. اچھا چلے, اچھا ہے, محنت والوں کے ہاں محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. چلو حمزے, لکڑے لکڑے لانے میں مشہور, ایسے بنانا ہے کہ مزہ آ جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بناؤں گا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے. سفر اللہ ٹاسک آپ کو دے رہے ہیں, لیکن کافی مشکل ٹاسک ہوگا. جو ٹاسک آپ کو دیا جائے گا وہ پتہ چلے گا کھانا کھانے کے بعد کہ آپ کا ٹاسک کیا تھا. تو ٹاسک آپ میں بتا دے دوں کہ جو کڑھائی ہے وہ یعنی نمبر ون سے نمبر ون ہونا چاہیے. ایسی کڑھائی آپ کو بنا کے دیں گے سر, ایسی کڑھائی آپ کو کبیر ریسٹورنٹ اور تیر خان ریسٹورنٹ نہیں ملے گی. تو چلے سستے میں مہنگی جگہوں کا لطف ابھی اٹھائیں گے سف اللہ بھائی اور حمزہ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ. ابھی تکو کے لیے آگ جلا رہے ہیں ثاقب اور ہمارے محسن صاحب, تو آگ جل جائے پھر بناتے ہیں اپنے تکو کی طرف. فیصل کو گائیڈ کریں نا ذرا. جی فیصل بھائی, کس چیز میں گائیڈ کرنے؟ یہی آپ کو پکنک کی ویو بتائیں گے. ہاں یہ ہمارے بہت چھوٹے امیر صاحب ہیں, والد صاحب کے بڑے لاڈلے ہیں. اللہ پاک نے ہم دونوں دوستوں کو ایک ساتھ جو ہے نا سدھرنے کی سعادت نصیب کی ماشاء اللہ. جی تو بھائی, تو ابھی آپ کو بتائیں گے جگہ ویو, پھر اس کے بعد ہمارے نظام کرنے اپنے کھانے کا. تو یہ ویو ہے ماشاء اللہ تبارک الرحمن بڑگرام والے سائٹ کا, جو کافی مزے کا ویو آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ اس طرف ہے منسرہ, جو بٹھل اور چھتر ادھر سے نظر آ رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی کوئلہ تقریباً ہوا سرخ, ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ امیر صاحب, امیر صاحب تو کولا چیک کر گے نا, تو چیک کر. تو ابھی ہمارا کام کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے, اور پھر ملیں گے انشاءاللہ جب پکی پکائی ہو جائے تو آپ کے ساتھ. صف اللہ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں ہمارے ویور کو کہ کیا نظام ہے, کیا سسٹم ہے, تو اس حساب سے پھر ابھی سر دیسی گھی اس میں ڈالا ہوا ہے. ہاں اور ساتھ میں ابھی چکن کو کریں گے روسٹ, جب یہ فل طریقے سے روسٹ ہو جائے گا اس کو نکال کے پھر اس میں ڈالیں ٹماٹر, اس میں صحیح مطلب گل جائے گا اس میں صحیح طریقے سے. اس کے بعد جو ہے اس میں ڈالیں گے چکن, ساتھ میں جو ہے وہ نسلے کریم اور بہت بہت ساری چیزیں لائیں اور اس میں مکس کریں گے, اور اس طرح ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے. اچھا تو لگتا یہی ہے کہ آج کھانا کچھ بہترین ہونے والا ہے, یعنی سین دیکھنے والا ہوگا, دیکھنے والا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حالت سنگین ہے, پر ہوا بہت تیز جا رہی ہے بھائی ہمارے ساتھ, اس وجہ سے آگ کا بڑا مزہ آ رہا ہے. ساری کاٹنی ہے, کتنی کاٹ دی آپ نے؟ 1.5 کلو کاٹ دی میں نے, 1/2 کلو تو بہت کم ہے. کلو پوری کر دو, کلو پوری کر دو, ایک لو بچے ہیں منہ نہیں جل جائے. ابھی اس میں مرچی میں ہم تین چار بندے ایسے کہ جو مرچی نہیں کھا سکتے, تو تھوڑا سا گزارا کریں. اگر پھر بھی آپ کو مرچی زیادہ کھانی ہے تو آپ نوالے کے ساتھ کھا سکتے ہیں.
क्या ख्याल? कच्ची खा सकते, कच्ची खा सकते। असल में बात ये, हमने स्पाइसी बनानी नहीं है, बच्चे हमारे साथ कमजोर है। एक बच्चे ये है हफीज, एक मोहसिन साहिब और एक मैं खुद हूँ। मैं तो इसको बोल रहा था लेकिन अब्बास तो हमारा अमीर साहब है, हम तीन बंदे हैं। सर जी मेरे ख्याल से पूरे हैं मिर्चे, देख लो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी हवा की वजह से सिलेंडर से काम शिफ्ट हुआ आग पर। सफला ये क्या आपने किया शिफ्ट आग पर किया? सर असल में यहाँ पे हवा बहुत है तो असल में कढ़ाई जो है ठीक नहीं आ रही थी, तो आग पे जो है पकने का अपनी मजा है। अच्छा ही मजा है। चले बड़े समझदार लग रहे हो मेरे को। असल में सर आपके साथ हमें इसलिए हम भी थोड़े समझदार हो गए। अच्छा सीन कुछ ऐसे हुआ कि अभी हमसे जो हमारे आसिफ हैं वो नीचे गाड़ी में रह गए और गाड़ी हमने काफ़ी दूर खड़ी की हुई है और गाड़ी की चाबी भी दूसरे बंदे के पास है और वो गया हुआ है नीचे बाजार, बाजार से ला रहा है रोटियां नान, तो उसमें अभी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक ये अपनी कढ़ाई बनाएंगे और सीख का काम इंशाल्लाह करेंगे, एक 10-15 मिनट में इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर निज़ाम करते हैं बनाते। अभी कढ़ाई से ये निकाल रहे हैं मुर्गी और अभी बनाएंगे अभी मारेंगे टमाटर का तड़का, टमाटर का तड़का। चिकन हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि टमाटर सही तरीके से गल जाए अपनी जगह। अच्छा सीन ये है, मेरे शर्फ का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। आपकी जॉब कहाँ थी? मेरे शेरेटन होटल में तो नहीं थी? सर मैंने कजन बुरा के साथ काम किया हुआ। अच्छा कजन बुरा को तुर्की वाला? ये माशाल्लाह छुट्टियों पे आए हो दोनों? अमीर साहब गाइडेंस करते हुए 4 महीनों का तजुर्बा बताते। तो अभी जब आपने ये मुर्गी साइड पे किया ना तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बेहतरीन होने वाला है। माशाल्लाह तबारक रहमान, और सन का ये व्यू देखे, बिल्कुल सनसेट होने वाला है, ये आप देख सकते हैं ये सनसेट होने वाला है और बेहतरीन व्यू ये माशाल्लाह तबारक रहमान बेहतरीन व्यू सनसेट का। इमदादी कारकुन बने हुए, बरका का नाम आपने डबो दिया। कजन बुराक का, कजन बुराक का नाम आपने डबो दिया। नहीं उसका नाम ही मेरी वजह से। अच्छा अमीर साहब कहाँ गए थे? मिठाई लाने। ओए लाने के लिए। भाई यूसुफ साहब हमने बहुत मेहनत से लाए। आग दी आग, आपने पहाड़ को आग लगाना है या कढ़ाई के लिए आग लगाना है? तो काफी मेहनत की भाइयों ने। प्लेट लपाट ना लो। अभी फिर से मुर्गी अभी डालेंगे, टमाटर हो गए हम जी, टमाटर सुरख हो गए, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं, यहाँ पर ग्रेवी बन गई है, बस तड़का लगाएंगे। ये बन रही है चाम कढ़ाई। आपको ज्वाइन किया है सजाद अमीर साहब ने, तो हफीज कुछ टेंशन में लग रहा है, तो खपाई बचा सुबह से बोल भूख लगे हैं हफीज को लगी है भूख। हफीज बस इंशाल्लाह 5 मिनट इंतजार करो, 10 तो इंशाल्लाह रेडी करते हैं। अब भी दूसरे अमीर साहब हमारे सजाद खान, ये कौन सा स्टाइल आपने इसको बनाए हुए हैं? इसको हमने कराची का बलोच बनाया, कराची का बलोच। तो मोहसिन कराची का बलोच बना हुआ है माशाल्लाह। अब्बास साहिब और ये है हमारी कढ़ाई। हमारे सीख नीचे रह गए थे, सीख सीख ले आए, तो शुक्रिया आपका। अभी हमारा सीख का जो काम हुआ है स्टार्ट हुआ जाता है और हमें अभी इंशाल्लाह 2 मामू और 2 कजन भाई और इंशाल्लाह अभी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ भी आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी हमारा काम है सीख, अभी हम बनाएंगे सीख में डालेंगे बोटियां मकोतोला और फिर इंशाल्लाह इसको बनाएंगे
और एक सीख में शायद ये हिल रहा होगा, तो इसको फिर डालेंगे दो सीखों में, तो देखते हैं क्या निजाम बनता है, क्या सिस्टम है। तो हमारे साथ रहिएगा। अभी हमारे सीख काम हुआ स्टार्ट और सीख थोड़े थोड़े पक गए, अभी इसको लगाएंगे तेल और अभी इसको बनाएंगे बेहतरीन करके। और कढ़ाई हमारी तकरीबन हुई है मुकम्मल, भी है काम सीख का, बस जो कोयलों को आग दे रहे साकेत वो इसको आयल लगा रहे हैं माशाल्लाह तबारक रहमान। और मामू लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। आयल के साथ ये होता है कि जो चिकन है वो नरम आ जाते हैं और इसकी पकाई बहुत बेहतरीन हो जाती है। हमारी कढ़ाई भी तैयार हो गई और हमारे जो टिक्के हैं टिक्के भी तैयार हो गए और हमें ज्वाइन किया है शबीर मामू ने, शबीर मामा और मोहताज भाई ने ज्वाइन किया है खान। और ये है असदुल्ला भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। असद अभी हमारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह ताला अभी हम लगाएंगे सुफरा दस्तरखान और वहाँ पर बैठेंगे और इंशाल्लाह खाना खाएंगे और रिव्यू भी देंगे कि खाना कैसा आया हुआ है। ये है अदनान कारी, कारी अदनान साहब और इधर आबद मामू बैठे हुए हैं और ये है तो इंशाल्लाह अभी खाना के सुफरा लगाएंगे। और हफीज जो है काफ़ी तंग है, हफीज बोल रहा है कि मुझे भूख लगा। हफीजा तो कैसे बचूँ अभी अदनान कारी जो अभी सलाद काटने में मसरूफ और काफ़ी अंधेर भी हो गया आप देख सकते हैं। और अदनान जी जी बोले हैं जी माशाल्लाह, आज मौसम के बारे में बताए थोड़ा सा हमारे व्यूअर को। ये हमारा माशाल्लाह हम छत्तर प्लेन टॉप पे आए हुए हैं और इधर जो है ना मौसम इतना ज़बरदस्त मौसम है, हवा चल रही है, गर्मी नहीं है यहाँ पे। अच्छा अच्छा यहाँ पे जो टूरिज्म बहुत ज़्यादा, अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे आ सकता है। और जो है ना यहाँ पे जो है ना गर्मी भी नहीं है और बहुत अच्छी जगह है। और आज आपने जो है ना माशाल्लाह प्रोग्राम किए हुए है, आपने हमें दावत दी है, आपकी दावत हमने कबूल की, हम आ गए आपकी दावत। आपने क्या क्या पकाया हुआ है कुछ पता है? हमारे प्रोग्राम में जो मेन्यू में है कढ़ाई है वाइट हंडी और इसी के साथ चिकन और दूसरे चिकन टिक्का और इसी के साथ चपली कबाब जो छतरपुर के मशहूर चपली कबाब है ये, और इसी के साथ रायता और पेप्सी सेवन अप। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इसका। और ये कि ये मेहमान ही हमारे साथ आए हुए हैं माशाल्लाह, ये बैठे हुए हैं मामू इस तरह वकास भाई और ये हमारा खास मेहमान जो नन्ना मुन्ना मेहमान हफीज खान बोल रहा है कि ये 28 मेरे ऊपर बहुत अच्छा गुजरा और ये बेहतरीन और ये सारा जो प्रोग्राम है ना, मैं आपको इस प्रोग्राम की खास बात बताऊं, ये खास सारा प्रोग्राम इस मौसम आपने। ये है हमारी कढ़ाई माशाल्लाह तबारक रहमान और ये है टिक्के और कबाब अभी आ रहे हैं, अभी हम ट्राई करेंगे टिक्का, देखते हैं कि टिक्का कैसे है। ज़बरदस्त टिक्का बेहतरीन आए हुए हैं। और अभी नंबर है कढ़ाई का, कढ़ाई देखते हैं कैसा है। सफला सफला कढ़ाई माशाल्लाह बेहतरीन एक नंबर आउला। और जो चपली कबाब वो तो मशहूर ही है, इसका तो पता नहीं है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे छतरपुर के बहुत ही मशहूर और लजीज खुराक है बेहतरीन। और इंशाल्लाह मिलते हैं खाना खाने के बाद, तब तक आप ब्लॉग को एंजॉय करें। अभी सब वापसी कर रहे हैं, ये मोहसिन खान वकास भाई इस तरह नीचे आसद और ये सफला भाई। सफला तो कैसा रहा प्रोग्राम, प्रोग्राम के बारे में बताएं और देखें कि खाना कैसा था। अभी कारी अदनान कारी माशाल्लाह माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। वो कढ़ाई, इसमें जो वाइट कढ़ाई थी वो बहुत अच्छी थी
और हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने बहुत इंजॉय की उसको। अभी हमारा प्रोग्राम जो है इत्तेदाम को जमा अब जो है अपने घरों को जा रहे हैं। और सफल्ला भाई कुछ बात कर लेगा, कुछ बताएं जी प्रोग्राम के बारे में। यार प्रोग्राम तो हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। पिछली जो है संडे को भी हमने प्रोग्राम किया था लेकिन उसका ख़ास मज़ा नहीं था, और इसमें जो है हमने बहुत सारी चीज़ें जो इजाफी ऐड की हैं, वाइट फ्राई, चिकन वाइट फ्राई और साथ में सीख वगैरह, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। साथ में जो चप्पी कबाब है ना, हमारे छतर प्लेन का जो मशहूर जो चीज़ है खाने में वो कबाब है, चप्पी कबाब, साथ में उसका इजाफा भी हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है। चले अच्छे, उम्मीद करते कि सबको विलाग भी पसंद आया होगा और सबको खाने भी पसंद आया होगा। तो यहाँ पर विलाग की इख्तिताम करेंगे, जा रहे हैं हमजा और ये हमारे सजाद अमीर साहब, अब्बास अमीर साहब, मुदस्सर, साकिब भाई और शेबीर मामा। अभी हम जाएंगे। अब जी तो कैसे लगा सजाद भाई? चले यहाँ पर विलाग करेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम जी।